नमस्कार, मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं बिजनौर टीवी। दोस्तों, बिजनौर टीवी चैनल पर आपको गांव देहात के वीडियो अक्सर देखने के लिए मिलते रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट बिजनौर का ऐसा ही एक गांव पुट्ठा, ब्लॉक हल्दौर का गांव है ये, जहां पर हम पहुंचे हैं, और नेटोर विधानसभा क्षेत्र है इस गाँव का। यहाँ पर देखिए एक मार्केट लगा हुआ है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और जो दुकानदार हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, फिर ग्रामीणों से बातचीत करेंगे, और गाँव को दिखाने की आज के वीडियो में पूरी कोशिश रहेगी। तो वीडियो में आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। क्या नाम है आपका? तस्लीम। तस्लीम जी, जी तो कब से लगा रहे हैं ये दुकान? ये जब से बाजार बढ़ना शुरू हुआ, जब से हमने लगाना शुरू किया। कितना समय हो गया? ये लगभग 2-1 महीने हो गए। 2-1 महीने हो गए, मतलब इससे पहले नहीं लगता था बाजार? इससे पहले नहीं लगता था। तो गाँव बेचते थे फिर आप सब्जी? हाँ, गाँव में बेचते थे, और जब बाजार लगन लगा तो हम यहाँ फड़ लगाने लगे बाजार में। जी, तो इसका कुछ किराया जाता है आपका? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। निःशुल्क है। किसने लगवाया ये बाजार? ये हमारे प्रधान जी ने लगवाया। अच्छा, हाँ जी। मतलब ग्रामीणों को रोजगार भी मिल रहा है जी, आप गांव से ज्यादा बाहर जाने की भी जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। खरीदारी करने वाले लोग वो यहाँ से खरीद सकते हैं, यहाँ से खरीद। तो देखिए यहाँ पर और दुकानदारों से हम बातचीत करेंगे, कुछ जो है जलेबी और पकौड़ियों की भी दुकान है यहाँ पर, सब्जी वालों से हमने बातचीत करी ली। क्या नाम है? ललित गुप्ता। कहाँ के रहने वाले? हेमपुर दीपा। तो हेमपुर दीपा से गांव पुट्ठा में आए दुकान लगाने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। तो कितने दिनों से लगा रहे हैं यहाँ दुकान? ये लगभग मिले तीसरा महीना चल रहा है। तीसरा महीना चल रहा है। कितना किराया जा रहा है इसका? कोई किराया नहीं है, फ्री 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 है बिल्कुल। अच्छा अच्छा, हाँ जी। क्या नाम है? इरफान अली। कहाँ से आए थे? जलेबी खा रहे हो या कोई दुकान की हुई आपने यहाँ? ना, जलेबी खा रहा हूँ। जलेबी खा रहे हैं। हाँ। तो ये बाजार जब से लगने लगा तो कुछ सुविधाएं आपकी बढ़ गई यहाँ? हाँ जी, सुविधा बढ़ गई जी, बढ़िया मौज आ रही। मौज आ रही? हाँ जी, बेहतरीन मौज आ रहा है जी। जब हर बाजार लग रहा, हर बाजार को, मतलब ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता? ना, ज्यादा दूर के ना, भी गाँव में सब चीज मिल रही, बढ़िया बोले, मजा आ रहा। आपका क्या नाम? कमल कुमार, हेमपुर दीपा। बिक्री कैसी हो रही? सेल ठीक होती है। हाँ, फिलहाल नया बाजार है ना, उस हिसाब से ठीक होता है। अच्छा अच्छा, कितने लोग, कितने गांव के लोग पहुँच जाए यहाँ? लोग यहाँ 4-5 गांव के आसपास के क्षेत्र के हैं। अच्छा। ले जाते हैं, ज्यादातर दूर के नहीं आ पाते हैं। दूर के नहीं, क्योंकि 4-5 गांव भी थोड़े नहीं होते। नहीं, थोड़े भले ही ना होते हैं, लेकिन फेरी करते हैं गाँव में सब्जी वाले हैं। अच्छा। फिर घर घर सामान मिल रहा है उचित दाम पर, तो फिर बाजार माना पे कम समझते हैं। अच्छा, इसलिए बाजार की जो क्रेज है आज के दौर में वो कम होता जा रहा है। तो यहाँ आपकी सेल तो ठीक चलती होगी ना? बस हाँ, मिनिमम जो अपना हिसाब है वो ठीक है, उससे औसत निकल जाता है। पदम सिंह। पदम सिंह जी कहाँ के रहने वाले हो? यहाँ का ही, सामने बगीचा है। अच्छा, ये घर की सब्जी है? ताजी सब्जी, आप ही उगाते हैं? अपने आप उगाता हूँ। अच्छा, बिना उसकी है, साफ सुथरी है, साफ सुथरी सब्जी। कहीं से बाजार उजार से नहीं लगते? मंडी से खरीद कर? नहीं, बाजार की सब्जी नहीं है मेरे पास, अपने सब घर की है जितनी भी है। अच्छा अच्छा, तो बिक्री कैसी होती है? बहुत बढ़िया बढ़िया बिक्री। हाँ, बहुत बढ़िया बिक्री होती है, सबसे ज्यादा बिक्री होती है मेरी। अच्छा अच्छा, क्योंकि आपके हाथ की उगाई हुई सब्जी है, घर की उगाई हुई है। अमरूद और बेचता था, अमरूद खत्म हो चुका है मेरा। अच्छा, दूसरी फसल आने वाली है अमरूद की। तो ये कब से हुआ आपके यहाँ ये मार्केट का? ये बाजार को 4 महीने से ऊपर हो गए। अच्छा, तो सही चल रहा काम? हाँ, बहुत बढ़िया, ग्रामीणों को भी फायदा पहुँचा? हाँ, पूरे गांव को फायदा है, आसपास वालों को भी फायदा है जी, सभी लोग यहाँ आते हैं। तो किनके प्रयासों से हुआ ये यहाँ? ये प्रधान जी के प्रयास से हुआ। प्रधान जी के? हाँ, पंकज जी के। अच्छा, उन्होंने करवाया यहाँ? हाँ, उन्होंने लगवाई है मार्केट जी। दोस्तों, गांव पुट्ठा के अंदर अभी हम मौजूद हैं, और जो ग्रामीण हैं उनसे बातचीत करने वाले हैं इस ग्राम पंचायत के बारे में। जो आपकी ग्राम पंचायत है ये पुट्ठा जी, और हल्दौर ब्लॉक के अंतर्गत आती नेटोर विधानसभा क्षेत्र में ये गांव लगता है हमका। तो इस पंचायत का काफ़ी नाम सुना हमने, जिस वजह से आपके गाँव में आना पड़ा। तो यहाँ मार्केट जो है वो बाजार लगता है, सप्ताह में बाजार लगता है, इससे पहले नहीं लगता था जैसा अभी हमने बताया। ग्राम प्रधान है, उनकी लीडरशिप में शुरू हुआ। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह, चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन कोऑपरेटिव। तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? गांव बराबर माढ़ी, क्योंकि गांव माढ़ी पुट्ठे से बोला जाता है, क्योंकि पंचायतें अलग अलग हैं। अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो ये अभी जो मार्केट चल रही है आपके यहाँ बाजार सप्ताह का, तो इससे तो आपके गांव वालों को भी फायदा? बहुत भारी फायदा है, और लोगों में उमंग है कि ये बाजार चलता रहना चाहिए और इसकी गति बढ़नी चाहिए। अच्छा, सब लोग प्रयास रहते हैं, इसीलिए लोग क्या करना चाहिए अभी और यहाँ भाई, जो दुकानें हैं चल रही हैं इसमें, और जो घरेलू आवश्यकता है उनकी भी आपूर्ति हो जाए तो और ज्यादा अच्छा है। अच्छा, हाँ, मतलब एक बड़ा मार्केट। हाँ, एक बड़ा हो जाए मार्केट हो जाए। बल्कि हम लोगों का मानना यह है कि हल्दौर विकास खंड और बराबर का गांव
जलीलपुर विकास खंड में आता है। हम लोगों का मानना है दोनों विकास खंडों के बीच में ये जो ग्राम पंचायत है इसका बहुत महत्व है और ये आसपास के गांव हैं, ये सब जाट बाहुल्य क्षेत्र और दूसरी जातियों से जुड़े हुए हैं और यहाँ बाजार चलना अति आवश्यक है। और जितनी बढ़िया लोकेशन इन दोनों गाँव के बीच में है, बगल के गाँव में उस तरह की लोकेशन बाजार लगने के योग्य नहीं है, इसलिए लोगों का रुझान है कि यहाँ बाजार बढ़ना चाहिए। आपका क्या नाम है जी? सुबह सिंह। नाम सुबह सिंह। तो पूर्व प्रधान रहे हो इस गांव के? हाँ, पहले पूर्व प्रधान। हाँ, परिवार में प्रधान रही है। अच्छा, तो इस गांव को जो पुट्ठा गांव हो, गारे के नाम से प्रसिद्ध था, एक रास्ता था बड़ा खराब था, वो करता था तो वो रास्ता उस रास्ते की वजह से ज्यादा जाना जाता था, वो गारे वाला पुट्ठा। तो वो गारा कब से खराब हुआ? करवाया प्रधान पहले तो बेकार था। अच्छा, तो आपके समय में क्यों नहीं हो पाया था वो? अरे वो तो पहली बार गारा भी नहीं था उस टाइम पर, गारा नहीं था, कच्चे रास्ते थे, गारा नहीं था। तो वो गारा रहने का यहाँ क्या मेन कारण क्या था? वो पानी भर जाता था वहाँ गांव वालों का, आसपास का, या क्या? आसपास का पानी निकास था नहीं, पानी की निकास ज्यादा हो गई। अब निकास करवा दिया तो पानी सही हो गया। पहले समरसेबल भी नहीं, कभी तो निकले होंगे इसमें गारे? बहुत बार, जाने कितनी बार, अनेकों बार। क्या दिक्कतें आई उस टाइम? अरे यहाँ तो निकला भी नहीं जाता और औरतें तक गिरी हैं ऐसे ही मोटरसाइकिलों पर, इतना भयानक गा रहा था। हमसे वाजो निकले भी नहीं जावा था। हमारे मुर्दे निकला था। हाँ, इतना बुरा हाल था। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ताहिर अहमद है। अच्छा। और राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन का मैं महासचिव हूँ। तो इसी गांव में रहते हैं? जी, मैं इसी गांव में रहता हूँ। ग्राम पंचायत के बारे में ही हम जानकारी कर रहे हैं, जैसे बता रहे हैं ग्रामीण के सुधार हुआ, जो गारा था वो निकला, कुछ अब भी आपको दिखाई दे रहा है कि समस्याएं हमारे गाँव में बनी हुई है और उनका समाधान? तो कोई समस्या नहीं है, बाकी इस प्रधान ने बहुत बढ़िया काम करा। अच्छा। और इसी प्रधान की बदौलत है जो कि बाजार लगा। अच्छा। अब हम ये चाहते हैं इसी तरीके से बाजार चलता रहे, तो हम सप्ताह में दो बार बाजार लगाएंगे। अच्छा। एक बार बुधवार को लगता, थामर का भी रखने का प्रोग्राम है हमारा, मतलब सप्ताह में दो बार। हाँ, सप्ताह में दो बार। और प्रधान की जितनी तारीफ हो जाए बहुत ही कम है। अच्छा। प्रधान बहुत बढ़िया काम कर रहा है हमारे यहाँ का। राम राम जी। राम राम जी। ठीक ठाक हो? बढ़िया बढ़िया। सही है तबीयत? तबीयत सही ना चल रही। अच्छा, क्या हो गया, क्या दिक्कत आ गई? नकुआ हो गया था अभी। अच्छा। आँख में दिक्कत है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो गांव के बारे में बताओ आप अपने, क्या खासियत है? देखो, गांव के बारे में यो हो, उस गारे का तो जिक्र करा तुमने। हाँ, इसमें भी था, यहाँ भी था। ये बालक जो बालकों से निकला नहीं जा बोला। अच्छा, यो भी ऐसा ही था। अच्छा, जैसा वो था अभी तो तुम देखो, वो भी ठीक, यो भी ठीक, गांव भी ठीक जी, और सही काम चल रहा। गांव स्वर्ग बन गया आपका? हाँ, गांव स्वर्ग बन गया। जसराम सिंह। जसराम जी, पुट्ठा के ही रहने वाले हैं? यहाँ कई रहे। पूर्व प्रधान? हाँ, काफी टाइम पहले। तो ये वर्तमान प्रधान की तो बड़ी तारीफ चल रही है आपके गांव में? नहीं, ठीक कर यार, लड़का काम। आप भी मानते हैं इस चीज को? हाँ। आपके समय पर नहीं हो पाया इतना काम, जितना उन्होंने कर दिया। मैं तो सन 88 की बात है। सन 88 की? बहुत कम आयु में प्रधान बने। अब कहाँ रखी? जब तो कुछ था ही ना उस टाइम। उस टाइम पर नहीं था। उस टाइम तो नाम था बस प्रधान है और कुछ ना। कैसे बैठे थे? मैं भैया बाजार से सब्जी लेना आया था। सब्जी लेना आए थे कहाँ से? शेरपुर कल्याण से। शेरपुर कल्याण से? तो और कोई बाजार ना लगता नजदीक? धोरो तो यही है बस। यही है धोरो? कितने दिनों से कर रहे हैं यहाँ से आप खरीदारी? ये जस बाजार लगा। अच्छा। मेरा नाम ओमवीर सिंह है। अच्छा। माड़ी का रहने वाला हूँ। हाँ, हम अभी पुट्ठा के बारे में जिक्र कर रहे हैं, जो गांव पुट्ठा में आप बैठे हो जहाँ, इनके बारे में बताओ, इनके गांव के प्रधान ने कुछ विकास कार्य किए या नहीं? हाँ, इनके गांव का प्रधान पंकज है और पंकज ने बहुत बढ़िया विकास करा है। और विकास की जो गंगा बहाद है ये सड़क पंकज की बनी हुई है, और जो गांव बीच की सड़क है वो सब पंकज की बनवाई हुई है। उसके प्रयासों से ही सारा काम होया, चाहे उन्होंने सांसद से बनवाई या विधायक से बनवाई या अपने आप बनाई, बहुत बढ़िया काम करा। अब हमारी मांग है कन्या इंटर कॉलेज बना है, और हमारी जो लड़की बालिका इधर चांदपुर हो, उधर झालू हो, उधर बिजनौर हो, बहुत लंबी रेंज है, तो हमारे क्षेत्र की बालिकाएँ हैं, पढ़ें और विकास करें और कामयाब बने और आगे बढ़ें। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम चेताम सिंह है, मास्टर चेताम सिंह। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? मैं पुट्ठा का रहने वाला हूँ। पुट्ठा के रहने वाले जी सर। मतलब टीचर थे आप? हाँ, अध्यापक था। रिटायर हो गए? रिटायर हुआ मैं 2022 में। अच्छा। मार्च 2022 को। अच्छा, तो आपने अपने जीवन काल में कितना विकास देखा अपने गाँव के अंदर? मैंने अपने गाँव में काफ़ी विकास देखा है। पहले तो सारे रास्ते कच्चे थे। अच्छा। सारे के सारे कच्चे रास्ते थे, और उसके बाद में करीबन 10-15 साल से
अपने गांव का इतना विकास हुआ है, सड़कों का विकास हुआ है और लाइट की व्यवस्था सुधरी है और आपका जितना भी ये स्कूल की व्यवस्था है, दो प्राइमरी स्कूल है मेरे गांव में और एक जूनियर स्कूल है, तीनों स्कूल बहुत ही बढ़िया पोजीशन में है और बहुत अच्छे टीचर हैं, संख्या भी काफ़ी है और तीन चार गाँव के यहाँ पर बच्चे पढ़ने भी आते हैं। हाँ, मैं देवराज सिंह, जिला महासचिव किसान यूनियन सरदार बीएन सिंह। और हमारे गांव में जब से नए प्रधान बने हैं बहुत बड़ा अच्छा विकास होया है और सड़क भी ऐसी हुई जो कि यो रास्ता जहां आप खड़े हो इसमें हमारे मुर्दे जाया करते। अच्छा। और इस दो तीन स्कूलों मार साहब ने बताया भी प्रधान जी ने, दो स्कूल एक मंदिर और इसमें को निकलाने अर्थी लेख कर भी गिर जाते। अच्छा। आज इतना चौड़ा रास्ता शायद कहीं नहीं हो, जितनी चौड़ी सड़क क्यों बनी। हाँ, बाजार भी हो रहा, सड़क पर भी बच जा रहा सभी। अच्छा। और इतना विकास करा, इतना शायद इस क्षेत्र में ना होया हो।